हाउस गोइंग एवरीवन, आप सभी का दुब्बा से स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में हमने यार एक बढ़िया सा क्रीपर फार्म बनाया था जिसमें यार हमें इन्फिनाइट गन पाउडर मिलती है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो आज की इस एपिसोड में हम बनाने वाले अपने लिए एक सुपर अमेजिंग शुगर केन फार्म जिससे यार मुझे इतनी शुगर केन मिलती है कि आने वाली 7 पुश्ते बैठ के खाएगी। गाइस यार वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यार मैंने एक यूनिक शुगर केन फार्म बनाया है जिससे यार मुझे सिर्फ 2 ऑब्जर्वर्स लगने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स स्टार्ट द गेम प्ले मैन। ओके गाइस, तो सबसे पहले जाते हैं जल्दी और इक्विपमेंट्स कलेक्ट करते हैं जो कि हमारे फार्म को लगने वाले हैं बिल्ड करने के लिए। चलो भाई। तो यार अगर आप देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी है। यहाँ पे मैंने अरे यार यहाँ पे फट गया लगता है क्रीपर, क्रीपर साला बीच में ही फट जाते हैं कहीं पे भी। ए सर्किट, ये देख ऐसे रोतलू से कौन शादी करेगा। यहाँ पे मुझे ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। यार यार पता नहीं है क्रीपर्स कब सुधरेंगे, बीच में आके फट गया। तो यहाँ पे पहले मैं ब्लॉक्स लगा लेता हूँ। यार ये रात को बाहर जाने नहीं चाहिए, यहाँ पे क्रीपर की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे फिर से करना पड़ा सब कुछ। ये भी मेरी गलती है बट कोई बात नहीं है। यार यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया पूरा वहां तक। अभी जो अपना आयरन फार्म है वो बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे ऊपर यार बहुत सारे फैंटम्स आ गए हैं तो यार एक एक करके सबको ही मार देता हूँ। फैंटम से यार मुझे अच्छे मटेरियल्स भी मिल जाए। तेरे को डर नहीं लगता? यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे भी बहुत सही लग रहा है। अभी अपना जो क्रीपर फार्म है बहुत सारा हमें गन पाउडर देता है यार, और यहाँ का भी यार पूरा ये ओपन कर देंगे। ये माउंटेन भी थोड़ा थोड़ा करके हटाने लूंगा, पहले यार तो मार देते हैं। ये बहुत बोल रहा है, चलो तो मैं मार दिया। और यहाँ पे अगर आप देखो किधर गए यार, ये फैंटम्स दिख रहे नहीं है, मुझे लगता है घर के पास ही हैं शायद, यहाँ पे आ रहे ही नहीं है। और देखो यहीं रहा, तो यार एक करके इनको मारने लेता हूँ। रुको, चलो मर गया एक, और एक शायद से यहीं पे रहेगा, दूसरे को भी मार देते हैं सही का। वैसे हमारे बो में इन्फिनिटी लगी है तो मुझे एरोज की तो कोई फिक्र नहीं है, बस ये हाथ के नीचे आ जाए यार, ये मिलते नहीं है। वैसे ये तेज उड़ते रहते हैं ना तो इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। चलो लग गया इसको भी, कभी मार दूंगा मैं। चलो मर गया ये भी, इसने ड्रॉप किया क्या शायद से किया है, यहाँ पे नहीं है क्या? नहीं यार इसने ड्रॉप नहीं किया है। एक काम करते हैं यार, मुझे पूरे मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। मटेरियल कलेक्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले बैम्बू के फॉरेस्ट में, क्योंकि यार मैं बैम्बू का भी फार्म बनाने वाला हूँ, साथ ही साथ जो भी शुगर केन फार्म है अपना उसके साथ ही। जल्दी चलते हैं यार, यहाँ से चलते हैं, मुझे जाना पड़ेगा और बैम्बू फार्म ढूंढना पड़ेगा, जंगल बायोम ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। तो वहां पे जाके मुझे बैम्बू इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो जल्दी जल्दी जाते हैं यहाँ से और यार ढूंढते बैम्बू उसको। यहाँ पे यार बारिश भी स्टार्ट हो गई है, वो भी यार वेदर भी बहुत ही खराब है, मैं बहुत सारे स्लाइम्स भी लगने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जाते हैं और यार स्लाइम ढूंढते हैं। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले, क्योंकि यार ये पीछा ही करते रहेंगे। यहाँ पे यार मुझे स्लाइम मिल जाए, यार बारिश भी हो गई है वैसे। यहाँ पे यार स्केलेटन्स बहुत है बट यार मुझे स्लाइम नहीं नजर आ रहा है कहीं पे। मैंने सुना था यहीं पे ज्यादा करके स्लाइम्स आते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा तो नहीं है मुझे स्लाइम। चलो भाई कोई बात नहीं है, मिल ही जाएगा हमें स्लाइम कहीं पे। यहाँ पे मुझे क्रीपर्स नजर आ रहे हैं और ज़ॉम्बीज नजर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक रूइंड पोर्टल मिल गया मुझे, यार रूइंड पोर्टल में यार अच्छा अच्छा लूट भी मिल सकता है मुझे, वरना ये स्केलेटन मुझे मारते ही रहेगा कुछ भी करके। यहाँ पे स्केलेटन, चलो मर गया लगता है वो स्केलेटन। देखो यहाँ पे इसका चेस्ट, तो ये इसमें क्या मिल सकता है क्या, कुछ अनब्रेकिंग फ्लिंट एंड स्टील है, एफिशिएंसी 5 का हो है, वो ले लेते हैं यार, वो रख लेता हूँ मैं। क्या फेंकू मैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। वैसे आयरन नगेट की जरूरत नहीं है, ऑब्सीडियन रख ले सकते हैं बट ऑब्सीडियन की भी जरूरत नहीं है यार, ऑब्सीडियन बहुत कलेक्ट कर सकता हूँ मैं बाद में भी। तो एक काम करते हैं गन पाउडर की जगह पे रख ही लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। और बाकी का ये भी ऑब्सीडियन में कलेक्ट कर सकता था बट कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल यार मुझे चाहिए स्लाइम। स्लाइम यार यहाँ पे दिख रहे नहीं है मुझे, पता नहीं कहाँ पे गए। यहाँ पे एक छोटा स्लाइम दिख रहा है भाई, हाँ स्लाइम बॉल मिल गया मुझे। एक काम करते हैं ये स्पाइडर आई की अभी जरूरत नहीं, एक काम करते हैं ये रॉटन फ्लैश की अभी जरूरत नहीं है। पानी का कलर भी यहाँ का अलग है, मुझे हर ग्रीन चीज स्लाइम ही दिख रही है। ये देखो भाई यहाँ पे एक स्लाइम दिख रहा है मुझे, बस ये आ जा आ जा आ जा। कुछ मिल सकता है क्या इनसे? चलो भाई स्लाइम मिल रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े। यहाँ पे स्लाइम्स गिर गए क्या? हाँ देखो यहाँ पे स्लाइम्स गिर रहे हैं, जितने भी स्लाइम मिले मैं कलेक्ट करते जाऊंगा। अंदर हो तो अंदर, यहाँ पे ज़ॉम्बी क्या कर रहा है भाई, नाच रहा है अंदर। यार ये एक फैंटम पीछे लगा हुआ है कब से, मर गया। कुछ छोड़ा क्या? हाँ सही है, फैंटम मेम्ब्रेन तो मिल गया भाई। ओके गाइस सही है, यहाँ पे मुझे स्लाइम की आवाज आ रही है, तो यार देखते हैं यहीं पे किधर तो हो सकता है। यहाँ पे यार देखो यहाँ पे स्लाइम, तो जल्दी जल्दी जाके यार जल्दी स्लाइम निकल लेते हैं। लाइव कुमार थे, मुझे स्लाइम चाहिए अभी फिलहाल, जितना चाहिए उतना स्लाइम निकाल लेता हूँ मैं। और ये ऊपर से ये स्केलेटन भी मुझे मार रहे हैं यार, स्केलेटन का कुछ तो करना पड़ेगा। ज़ॉम्बी और ये स्केलेटन मुझे मारते रहेंगे। ये एक आ रहा है सामने, इसको भी मार देता हूँ।
चलो ये भी मर गया, तो एक काम करते हैं अभी ये पूरा लूटने लेते हैं इनको, ये छोटे छोटे बच गए हैं अभी। इनसे यार मुझे पता नहीं कितना मिलेगा, बढ़िया जितना भी मिले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे बहुत स्लाइम लगने वाले, मतलब उतना भी नहीं लगने वाले, बट फिर भी यार जितना मिले उतना कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे यार एक क्रीपर भी आ रहा है, क्रीपर को भी चल निकल क्रीपर। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक स्लाइम ब्लॉक दिख रहा है मुझे, इसे भी मारने लेता हूँ। पता नहीं इससे कुछ मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिला यार इससे। और भी मुझे यार देखो यहाँ पे एक बड़ा स्लाइम दिख रहा है, इसे भी मारने लेता हूँ। चलो ये भी मर गया। काम करता हूँ मेरी स्वॉर्ड निकालता हूँ, स्वॉर्ड से मारने लेते हैं इनको। मुझे चाहिए बहुत सारी स्लाइम्स, तो यार देखते हैं कितने मिल सकते हैं इनसे। यार कोई क्रीपर ना आ जाए यहाँ से, और एक बचा है शायद से। देखो ये भी मर गया यार, कुछ ड्रॉप नहीं किया इसने। बढ़िया कितने हो गए, 29 हो गए, इतने बहुत रहेंगे यार स्लाइम, ये बहुत हो गए। एक काम करते यार निकलते जल्दी जल्दी और ढूंढते यार बाम्बू फॉरेस्ट, क्योंकि यार मुझे जंगल बायोम ढूंढना पड़ेगा जल्दी जल्दी, और वहां पे जाके मुझे बहुत सारी बाम्बूस इकट्ठा करनी पड़ेगी। जब मैं बाम्बूस इकट्ठा करूंगा यार, मैं 2 स्टैक तो कलेक्ट करके ही जाऊंगा, तो यार 2 स्टैक कलेक्ट कर लेते बाम्बू और यार निकलते यहाँ से। चलो गाइस कैसे तो यहाँ पे पहुंच गया मैं, यहाँ पे मुझे जंगल बायोम तो दिख रहा है, यहीं पे किधर बाम्बू फॉरेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे स्केलेटन से मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा, वरना ये मुझे मारेंगे। चलो भाई खुद से लड़ो, चलो खुद से लड़के ही मरेंगे। बढ़िया सुबह सुबह वैसे इन्हें मर जाना चाहिए था। यहाँ पे देखो यार बाम्बू दिख रहा है मुझे बहुत सारा, तो यहाँ से यार बाम्बू उठाते और जल्दी जल्दी निकलते। मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, और क्योंकि यार रात होने पे यार बहुत मॉब्स पीछे लग जाते हैं। यहाँ पे क्रीपर भी है नजदीक, मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ मैं, क्रीपर से क्यों डर रहा हूँ यार, क्रीपर को मार के ही जाते हैं ना क्या। अरे भाई हाँ चलो भाई मर गया ये भी, ये एंडरमैन एक हमला ना कर दे मुझ पर। यार सबसे पहले मैं बाम्बू जितना चाहिए उतना इकट्ठा करने लेता हूँ। यार मेरे पास जगह नहीं है शायद से, तो एक काम करती है सीड की जरूरत नहीं है, और ये स्पाइडर आई को भी फेंक देता हूँ, क्योंकि यार बाद में मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी स्पाइडर्स आ ही जाते हैं। वैसे हो गया लगता है 4 स्टैक तो होने ही मांगते हैं अभी। हाँ 4 स्टैक हो गए। यार निकलते जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ को, और ये जल्दी स्टार्ट करते हैं बनाना बाम्बू और शुगर केन फार्म। यार जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, तो यार हमें बहुत सारा रेल्स लगने वाले हैं, तो यार रेल के लिए हमें छोटा सा हैक भी करने वाले हैं। तो यार देखते हैं आगे जाके क्या होने वाला है। हो गया हम यहाँ पे भी पहुंच गए, हमारे AFK स्पॉट यहाँ से बहुत दूर से दिखाई भी देता है, तो बहुत सही है यार ये AFK स्पॉट बना है। बट यार इसको मैं पूरा बाम्बू का बनाऊंगा आगे जाके, बट अभी फिलहाल के लिए तो यार बाम्बू मुझे उगाने पड़ेंगे। यार हमें बहुत सारे बाम्बूज लगने वाले, उसके लिए यार मैं अभी ये फार्म बनाने जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी यार हम जाते और जल्दी बनाने लेते। उससे पहले यार ये मैं रेल का एक हैक बनाना चाहता हूँ, यार वो भी मैं करने लेता हूँ। जो भी इक्विपमेंट्स है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सबसे पहले यार ये मैंने शवल यहाँ पे क्यों रखा, ये बाम्बू सबको यहाँ पे रख लेते हैं। ये फैंटम मेम्ब्रेन को भी एक काम करता हूँ यहीं पे रख देता हूँ, स्लाइम को भी यहीं पे रख देता हूँ, क्योंकि यार मुझे स्लाइम बाद में जाके लगने ही वाला है। और यार मुझे स्लाइम अब भी लगने वाला है, क्योंकि यार मैं जो हैक बनाने वाला हूँ उसके लिए मुझे लगने वाला है स्लाइम के ब्लॉक, और यार मुझे स्टिकी पिस्टन भी लगने वाला है। तो यार जल्दी जल्दी मैं स्टिकी पिस्टन और बाकी सब बना लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस तो मैंने सभी इक्विपमेंट्स तो कलेक्ट कर लिए थे, यार जल्दी जल्दी यहाँ पे बनाने लेता हूँ। सबसे पहले यार एक काम करता हूँ मैं, जल्दी से जल्दी स्टोन भी ले लेता हूँ अपना, क्योंकि यार मुझे स्टोन के ब्लॉक बहुत पसंद है। यार स्टोन के ब्लॉक को यहाँ पे रखते हैं। यार मैंने सभी इक्विपमेंट्स कलेक्ट कर लिए थे, यहाँ पे जल्दी से जल्दी मैं वो हैक बनाने लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 ब्लॉक ऐसे प्लेस करने, 4 ब्लॉक्स यहाँ पे ऐसे प्लेस करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे 2 ब्लॉक्स यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे स्टिक पिस्टन लगने वाला है। स्टिक पिस्टन को एक काम करते हैं हाथ में रखते हैं, यहाँ पे स्टिक पिस्टन लगेगा, और उसी के साथ मुझे 2 स्लाइम ब्लॉक को हाथ में रखना पड़ेगा, यहाँ पे लगाने लेते हैं। और यहाँ पे इसको ही देखते मुझे यहाँ पे पीछे से ये ऑब्जर्वर को लगाना पड़ेगा, इसका मुंह सामने आना चाहिए। ओके सही से हो गया। और यहाँ पे भी नीचे एक काम करते हैं रखने लेते हैं ये ब्लॉक, ताकि हम इजीली ऊपर जा पाए। और यहाँ पे मुझे जो भी ब्लॉक मुझे डुप्लीकेट करना है वो ब्लॉक को मुझे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, जो भी रेल को मुझे डुप्लीकेट करना है बेसिकली उसे मुझे रखना पड़ेगा। और ये पावर्ड रेल को भी यहाँ पे लगाने लेता हूँ। ओके ये दोनों हो गए, अब शायद से हमारा टोटल कंप्लीट ही है। ऊपर मुझे सिर्फ रेडस्टोन डस्ट से लाइनिंग करनी पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ पावर रेल को यहाँ पे रखता हूँ और ये रेडस्टोन डस्ट से यहाँ पे लाइनिंग करने लेते हैं। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी सिर्फ हमें यहाँ पे लीवर को लगाना पड़ेगा, और लीवर को यहाँ पे लगा देते हैं, और ये मुझे सिर्फ पुश करना पड़ेगा 2 बार। हे देखो भाई अभी ये डुप्लीकेट होते जाएगा और ये अभी रुकेगा नहीं। मुझे लगता है नॉर्मल रेल्स डुप्लीकेट नहीं हो रहे, बट ये वाला डुप्लीकेट हो रहा है, तो जितना भी डुप्लीकेट हो रहा है सही है यार, हमें डुप्लीकेशन मिलते ही जाएगा। और जो भी ऑब्जर्वर के ऊपर है वो डुप्लीकेट होते ही जाएगा, तो यार उठाते जाते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे देखो ये बढ़ते ही जा रहा है, पावर रेल हमें मिलती ही जा रही है, बहुत सही है। पता नहीं यार ये अभी तक माइनक्राफ्ट ने अभी तक रिमूव नहीं किया है, बट यार सही है हमारा फायदा हो रहा है इससे। तो यार जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना मैं उठा लेता हूँ, 4-5 स्टैक उठा ही लेते हैं यार जितना भी बन पाए। तो यार इसके बाद मैं बनाने लूंगा अपना नॉर्मल रेल, तो यार पावर रेल पहले बनाने लेते हैं। देखते यार कितना हो गया, 2 स्टैक तो हो ही गए वैसे। ओके गाइस यहाँ पे ये फैंटम्स भी आ गए, फैंटम्स को भी मुझे मारने लेना, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ यार।
पता नहीं ये फैंटम्स कहां से चले आते हैं। चलो एक काम करते हैं, इतना काफी रहेगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलो भाई इतना काफी रहेगा, ये बहुत हो गया अभी के लिए, सब मैं उठा ही लेता हूँ, जितना भी मिले उतना उठा लेते हैं। चलो भाई ये भी उठा लिया मैंने, टोटल मेरे पास अभी हो गए हैं 4-5 स्टैक तक हो गए, 4.5 स्टैक हो गए मेरे पास अभी। और उसके बाद मैं नॉर्मल रेल्स को बनाने लेता हूँ। अरे एक भी नहीं मर रहा यार, चलो एक मर गया, ये फैंटम ने जीना हराम कर दिया है यहाँ पे। चलो और एक मर गया, तो जल्दी जल्दी आके ये कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। चलो ये भी मर गया भाई, इसने एक फैंटम मेम्ब्रेन और ड्रॉप कर दिया। मेरे पास फैंटम मेम्ब्रेन की अभी कमी नहीं रहेगी यार, यहाँ पे और एक ड्रॉप हो गया। चलो भाई ये भी मर गया, और एक फैंटम मेम्ब्रेन भी ड्रॉप कर दिया इसमें। मेरे पास बहुत सारे फैंटम मेम्ब्रेन हो गए यार, 5 हो गए यहाँ पे, और मेरे पास 2 वहीं पे थे, तो वो भी मैं उठा लेता हूँ। एक काम करते हैं अभी नॉर्मल रेल लगाने लेते हैं यार, यहाँ पे फैंटम्स भी मर गए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ और नॉर्मल रेल लगाने लेता हूँ, ताकि नॉर्मल रेल डुप्लीकेट हो, तो इसे भी उठा लेता हूँ मैं। नॉर्मल रेल को यहाँ पे प्लेस करते हैं और मुझे इसे ऑन करना पड़ेगा। चलो भाई सही है, ये अभी डुप्लीकेट होते रहेंगे, अभी बहुत सारे मिलते रहेंगे हमें, जैसे ही होंगे यार उठाते जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे भी यार मेरे पास और एक फैंटम मेम्ब्रेन था, कहाँ पे गया, और 2 फैंटम मेम्ब्रेन थे सॉरी, और अंदर मेरे पास 5 फैंटम मेम्ब्रेन पड़े हैं वैसे, जो हमने पिछले एपिसोड में किया था, तो मेरे पास टोटल 12 फैंटम मेम्ब्रेन हो गए यार। बहुत सही बात है, हम लोग बहुत सारे पोशन बना सकते हैं उससे। और मैं चाहिए तो यार आगे जाके अपना जो इलाइट्रा है उसको भी मैं रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं फैंटम मेम्ब्रेन, तो यार बहुत सही बात है। और यार रात भी हो चुकी है यहाँ पे, यार देखते हैं अपने पास कितने हो गए, 2 स्टैक तो ऐसे ही हो गए यार हमारे पास। चलो भाई और थोड़ी देर बाद मैं बंद कर दूंगा यार, ये हम बना के रखेंगे, ये यहाँ पे साइड में वैसे ही रहेगा, जब भी हमें रेल की जरूरत पड़ेगी हम इसे ऑन कर देंगे और कलेक्ट करते जाएंगे यार हमने रेल। यार ये तो ये होते ही रहेगा यार, पहले इस बंदे को मारता हूँ, मैंने पीछे ही करता रहेगा, ये सुधरते नहीं है वैसे। मुझे लगता है इतना काफी रहेगा यार, ये मैं बंद कर देता हूँ, इतना काफी रहेगा, उठा लेते हैं जितना भी कलेक्ट हो पाए। मेरे ख्याल से 4-4.5 स्टैक तो हो ही गए वैसे। गाइस अभी फिलहाल तो यार सो जाते हैं, उसके बाद यार सुबह उठ के जल्दी से जल्दी बनाने लेते हैं अपना शुगर केन और बाम्बू फार्म। गाइस सुबह भी हो चुकी है, तो यार मैं सबसे पहले अभी कलेक्ट करने लेता हूँ जो भी चीजें हमें लगने वाली हैं। कंक्रीट भी मुझे शायद से लग जाएगी वहां पे, और यार मैं ओके स्लैब्स भी उठा लेता हूँ, क्योंकि यार मुझे बहुत सारे ओके स्लैब भी लगने वाले हैं। और देखते हैं यार और कुछ लग सकता है क्या, और इससे एक काम करता हूँ मैं सभी ओके स्लैब उठा लेता हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे ओके स्लैब लगने वाले हैं। ओके प्लैंक्स भी उठा लेते हैं, क्योंकि ओके प्लैंक्स भी लगने वाले बहुत सारे, तो वो भी उठा लेता हूं मैं। और यार मुझे बहुत सारा नेदर कॉर्ड्स भी लगने वाला है, कॉर्ड्स शायद से ऊपर ही है, तो ऊपर से उठा लेते हैं, और बाम्बू के जो भी मटेरियल है सब उठा लेते हैं। और एक काम करता हूँ मैं यार ये एंड चेस्ट में डाल के रखता हूँ, तो यार एक काम करते हैं जो भी मटेरियल लगने वाला सब मैं उठा लेता हूँ, और मैं ये एंड चेस्ट में डाल देता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए यार ये सब रेल सभी चीजें डाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए के अंदर, और स्लाइम जो भी लगने वाला है सब चीजें रखने वाला हूँ मैं इसके अंदर। ऑब्जर्वर्स भी लगने वाला है, पिस्टन भी लगने वाला है हमें यार, और भी चीजें लगने वाली है, जैसे कि डे लाइट डिटेक्टर लगने वाला है मुझे। तो यार डे लाइट डिटेक्टर की रेसिपी मुझे उतना पता तो नहीं है, बट यार मुझे ढूंढनी पड़ेगी उसकी रेसिपी क्या है। और गाइस तो डे लाइट डिटेक्टर बनाने के लिए यार मुझे ग्लास लगने वाली है, स्लैब लगने वाला है, और मुझे लगने वाले नेदर के कॉर्ड्स। यार सब चीजें उठा लेता हूँ सबसे पहले, और यार बनाने लेता हूँ। एक काम करते इसके अंदर ये डाल देता हूँ मैं, इसके अंदर ये मुझे मिल जानी चाहिए, यहाँ पे रेसिपी मिल जानी चाहिए डे लाइट डिटेक्टर की, तो शायद से जितना मुझे पता है। नीचे मुझे स्लैब, हाँ देखो यहाँ पे मुझे 2 लगने वाले हैं, तो दोनों मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। चलो भाई दोनों उठा लिया मैंने, तो इसको प्लेस करते अपने एंड चेस्ट में, और बाकी के भी मटेरियल सब अंदर मैं प्लेस करने लेता हूँ। यार ये भी हो गए, जो भी चीजें हो गए सब चीज़ें इसके अंदर प्लेस करने लेते हैं। ग्लास भी मुझे बहुत सारे लगने वाले हैं यार, इतने से काम नहीं चलेगा, तो ये सब मैं उठा लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और यार बाम्बूज भी रख लेते हैं, वो भी लगने वाले आगे जाके। और यार मुझे बहुत सारे ग्लास भी लगने वाले हैं, तो वहाँ से मैं ग्लास भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये शुगर केन भी उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, सारे लगने वाले बहुत सारे रहने उनके यार। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन, तो यार 4 स्टैक तो इनफ रहेंगी, 4 स्टैक बहुत ही ज़्यादा हो गए, तो लेके जाते हैं ये। और ये रेडस्टोन भी जितना मिले उतना कलेक्ट कर लेता हूँ यार, क्योंकि रेडस्टोन मुझे बहुत सारे लगने ही वाले हैं वहाँ पे। और थोड़े यार ओके ब्लॉक्स भी रख लेते हैं, क्योंकि यार पता नहीं कब काम आ जाए, तो यार ओके ब्लॉक भी रख लेता हूँ। और यार ये लैंटर्न साथ में रख लेता हूँ, पता नहीं वहाँ पे यार अंधेरा हो गया तो यार हमें काम आ ही जाएगा वैसे। तो यार सुबह भी हो चुकी है, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने एक एरिया बना रखा है ताकि मैं इजीली ऊपर नीचे आ सकूं। और यहाँ पे अगर आप देखो मैंने यहाँ का एरिया भी ब्लॉक कर दिया, ताकि यार कोई विलेजर्स यहाँ पे अंदर ना आ सके। अब मैं इजीली अंदर बाहर आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, और मैं चाहिए तो ऊपर से भी जा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बेड भी प्लेस कर दिया है, और जो भी मटेरियल लगने वाले यार सब मैंने ला दिए यहाँ पे, इसके अंदर भी रख दिया मैंने बहुत सारा, और बाकी के भी ग्लासेस भी ला दिए थे मैंने। अब यार स्टार्ट करते हैं अपना बिल्ड बनाना। सबसे पहले यार इजीली बनाने के लिए मुझे रेल्स रखने पड़ेंगे, तो यार रेल्स लगाने लेते हैं जल्दी से जल्दी। रेल्स यार उठा लेता हूँ मैं, एंड चेस्ट में रखी रहेंगी, नॉर्मल रेल्स पूरे उठा लेता हूँ, और बाकी के यार ये डाई सब मैं अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि यार अभी फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं है।
ये डर्ट भी रख लेते हैं। डर्ट एक काम करते हैं, अपने पास ही रखते हैं क्योंकि यार बाद में इजीली तोड़ने के काम आ जाएंगे। ग्लास को अंदर रख देते हैं क्योंकि यार अभी फिलहाल इनकी तो जरूरत नहीं है मुझे। बाकी ये पावर ड्रिल्स भी रख लेता हूँ मैं अपने पास, और ये भी रख लेते हैं रेडस्टोन डस्ट, पता नहीं काम आ जाए। और यार मुझे लीवर भी बनाने पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं लीवर भी बना लेते हैं। लीवर बनाने की भी रेसिपी बहुत सिंपल है, तो वैसे तो लीवर की रेसिपी में मुझे कॉबल स्टोन लगने वाले बेसिकली, तो एक काम करते हैं जल्दी जल्दी जाके मैं कॉबल स्टोन तोड़ के लाता हूँ। कॉबल स्टोन तोड़ने के बाद मुझे इसी ऊपर आना पड़ेगा यार। एक काम करते हैं कॉबल स्टोन तोड़ के लाते हैं, वरना यार कॉबल स्टोन रखे हुए हैं यार यहाँ पे बहुत सारे, यार वो लेके आता हूँ मैं। ओ गाइस, तो मैंने कॉबल स्टोन भी ला दिया, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे प्लेस करने लेते हैं। तो एक काम करते हैं यार, तीन के गैप में यहाँ पे प्लेस करने लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो रखने पड़ेंगे शायद से। एक काम करते हैं यार, और यहाँ पे क्लोज लेते हैं, इतना मुझे लगता है इतना काफ़ी रहेगा। यहाँ से अंदर प्लेस करने लेते हैं, और अरे पूरा लंबा बनाते जाते हैं जितना हो सके। ओ गाइस, अगर आप देखो मैंने पूरे अपने रेल्स प्लेस कर दिए हैं यहाँ पे, और यार मुझे इसी डायरेक्शन में सेम चीज़ यहाँ पे करनी थी। और अगर आप देखो यार, यहाँ पे मैंने दो का गैप भी रखा है, तो यार टोटल स्पेस में यहाँ से 8 लगे हैं। तो 8 में यार यहाँ पे मैंने पूरे अपने नॉर्मल रेल्स लगा दिए। बीच में यार मैं पावर रेल्स लगा भी दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए यार नॉर्मल रेल्स ही रखते हैं। और यहाँ से मुझे यार एक ब्लॉक अंदर के लिए रखना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे एक ईजी डिजाइन बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। यार इसकी कनेक्टिविटी इसको देनी है मुझे, और ये वाला सही है शायद से, हाँ अभी शायद से सही है। और यहाँ से यार मुझे लेके जाके यहाँ पे मुझे एक पावर रेल रखनी पड़ेगी, तो यार पावर रेल को लेते हैं और पावर रेल को यहाँ पे रखने लेते हैं। मेरे ख्याल से यार यहाँ पे अंदर सही रहेगा पावर रेल का, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम वैसे बना पाएंगे। तो एक काम करते हैं इसको अंदर रखते हैं यार, यहाँ पे एक काम करता हूँ इसको ऐसे प्लेस करने लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अपना पावर रेल आ जाएगा। ठीक है गाइस, एक काम करता हूँ पावर रेल के ऊपर यार यहाँ पे एक काम करते हैं दो चेस्ट रखते हैं इसके इधर। यार मुझे हॉपर्स भी बनाने पड़ेंगे, तो यार जल्दी जल्दी जाके मैं एक हॉपर भी बना लेता हूँ। हॉपर बनाने के लिए यार मुझे ये चेस्ट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, मैं बहुत सारे हॉपर लगेंगे यार। तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी जल्दी इसमें ही मैं हॉपर्स बना लेता हूँ जितने बन सकते हैं, क्योंकि यार मुझे बहुत सारे हॉपर्स लगने वाली है। तो मेरे हिसाब से 6 तो हो गई है, तो 6 में के 4 तो लगेंगे मुझे हॉपर्स ही। तो एक काम करता हूँ यार, हॉपर बना लेता हूँ। मेरे पास आयरन भी थे, आयरन भी शायद से इसके अंदर है देखो, तो जल्दी जल्दी मैं हॉपर्स भी बना लेता हूँ। तो मुझे 4 हॉपर्स लगने वाली है। ओके गाइस, तो मैंने पूरे मटेरियल्स तो बना दिए, और यार मैंने एक हॉपर कार्ट भी बना दिया था ताकि मैं इस पर थोड़े एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकूं, देख सकूं कि कैसे चल रहा है। और यहाँ पे यार मुझे लगता है यहाँ पे प्लेस करने लेना पड़ेगा मुझे, तो सबसे पहले यार यहाँ पे खोदने लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे चेस्ट प्लेस करना सही रहेगा, तो इसके इधर यहाँ पे 2 निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे यार चेस्ट पहले प्लेस करना पड़ेगा मुझे, तो इस पावर ड्रिल को मैं ऊपर रखता हूँ। यहाँ पे 2 चेस्ट रख लेते हैं, और इसी को अटैच्ड एक हॉपर भी रख लेते हैं। मुझे शिफ्ट दबा के इसके ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, और यार इसके ऊपर मुझे पावर्ड रेल प्लेस करना पड़ेगा, वो भी मैं शिफ्ट प्लेस करके लगाने लूंगा। यहाँ का ये वाला ब्लॉक भी हट जाएगा। यहाँ पे यार मुझे कंपैरेटर प्लेस करना पड़ेगा, वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो नीचे से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करने लेता हूँ यहाँ पे, अब ये सही रहेगा। और यहाँ पे मुझे कंपैरेटर प्लेस करना पड़ेगा, बट सबसे पहले मुझे कंपैरेटर बनाना भी पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कंपैरेटर पहले बना लेते हैं। तो कंपैरेटर की भी रेसिपी भी बहुत सिंपल रहेगी, यहाँ पे ही रहेगी। काम करते हैं 2, 3, 4, 10 लीवर ही बना देते हैं, क्योंकि यार ये भी लगने वाले हैं मुझे बाद में आके। और जो भी कंपैरेटर की रेसिपी वो देखते हैं यार, स्टोन लगने वाली है मुझे, और नेदर के क्वार्ट्ज लगने वाले, और ये रेडस्टोन टॉर्च लगने वाले। सबसे पहले यार मैं रेडस्टोन टॉर्च बना लेता हूँ। तो रेडस्टोन टॉर्च की भी रेसिपी बहुत सिंपल है, यहाँ पे रख लिया, और मुझे 4 बस रहेंगी, और बाकी का जो भी है अपना कॉर्ड्स शायद से इसके अंदर होना चाहिए। तो कॉर्ड्स भी मैं निकाल लेता हूँ, और बना लेता हूँ अपने लिए कंपैरेटर। तो कंपैरेटर भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, इजी है रेसिपी इसकी भी। तो यार क्या निकालूँ मैं बाहर यहाँ से, एक काम करते इसको बाहर रखते हैं, और एक काम करते लीड को अभी फ़िलहाल अंदर रख देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे यार जल्दी से लगाने लेते हैं अपना कंपैरेटर। तो कंपैरेटर को मुझे यार इधर फेस करते हुए यहाँ पे कंपैरेटर प्लेस करना पड़ेगा। तो कंपैरेटर को नीचे रख लेता हूँ यार, और यहाँ पे प्लेस करने लेते हैं। ये कंपैरेटर यहाँ पे लग गया, अभी कंपैरेटर की इधर यहाँ पे ये ब्लॉक आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा रेडस्टोन का टॉर्च। तो यहाँ पे टॉर्च मुझे प्लेस करना पड़ेगा यार, और इसके ऊपर एक ब्लॉक आने वाला है जो कि ये कार्ट को भी स्टॉप करके रखेगा और सप्लाई भी बनाए रखेगा। तो इसको फेस करते हुए यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं, और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक आने वाला है। तो टॉर्च को देखते हुए मुझे ऊपर प्लेस करना, मुझे ऊपर यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ये वाला हटा देता हूँ मैं, चलो भाई। और इसके ऊपर यार मुझे चढ़ के यहाँ पे मुझे रेडस्टोन का पाउडर लगाना पड़ेगा इधर, ताकि इसकी कनेक्टिविटी नीचे वाले से बनी रहे। तो यहाँ पे
रेडस्टोन का टॉर्च लगा, रेडस्टोन का पाउडर लगा लेते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो। अभी ये एक्टिवेट हो चुका है तो यहाँ पे भी यार ये ब्लॉक फिल कर देता हूँ, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। चलो नीचे से आके उसको रिमूव भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर चाहिए तो आप छुपा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, बाद में हम क्लीन अप कर देंगे सही का। और अभी फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे अपने पावर्ड रेल्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यार एनर्जी तो मिलेगी नहीं, फास्ट तो जाएगा नहीं अपना कार्ड। तो यार इधर मुझे फास्ट जाने के लिए यहाँ पे मुझे प्लेस करते जाना पड़ेगा अपना पावर्ड रेल। एक काम करते हैं, जिधर मुझे लग रहा है कि पावर्ड रेल लगाना चाहिए यहाँ पे मैं लगाने लेता हूँ। और पावर्ड रेल को यार पावर देगा अपना लीवर, तो लीवर को भी यार हाथ में ही रखते हैं यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे और इसको स्विच कर देता हूँ मैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ पे तीन निकालने पड़ेंगे मुझे, तो तीन निकाल लेता हूँ मैं यार। और यहाँ पे मैं प्लेस करने लेता हूँ अपना पावर्ड रेल, और यहाँ पे ऐसे स्विच कर देंगे इसको ऑन बी पे, ताकि हमारी पावर्ड रेल चलती रहे। और यहाँ पे भी तीन निकालना पड़ेगा यार, यहाँ पे भी तीन निकाल लेता हूँ मैं। चलो भाई यहाँ का भी ब्लॉक करने लेते हैं, और यहाँ पे भी लीवर लगा देते हैं, देखते हैं कैसे होने वाला है। चलो यहाँ पे भी लगा दिया मैंने, और सेम इसके पैरेलल में सब जगह पे सेम ही कर देता हूँ मैं। चलो गाइस यहाँ पे भी लग गया, अभी एक काम करते हैं टेस्ट करने लेते हैं हमारा वर्क कैसे करने वाला है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कार्ट प्लेस करने लेता हूँ ये, तो देखते हैं यार इजीली जाना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुली राइड होता है तो यार हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ऊपर से भी बनाने लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं यार ये टेस्ट करके चल रहा है कि नहीं। अभी तो फिलहाल बहुत सही दिख रहा है, बहुत सही से चल रहा है, बट वहां पे जाके स्टॉप भी होना चाहिए। चलो स्टॉप नहीं होगा ऑब्वियसली, बट इसके अंदर से तो जा रहा है बहुत सही है। अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ये ब्लॉक्स प्लेस करने लेता हूँ। अरे यार ये रुक गया यहाँ पे, तो मेरी वजह से रुक गया होगा। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं ब्लॉक्स डालने लेता हूँ ताकि ये उठा पाए, और यहाँ पे मैं एक पुश दे देता हूँ इसको। अभी मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टॉप होगा या नहीं, स्टॉप होना चाहिए। ये देखो स्टॉप भी हो गया, बहुत सही है, मतलब हमारा बहुत सही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल इससे कलेक्ट होगा उसके बाद ये एम्प्टी होने के बाद ये निकल जाएगा यहाँ से, तो बहुत सही बिल्ड हुई है अभी तक की हमारी। तो यहाँ पे इसको भी सही का कर देते हैं यार, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लीवर में अंदर से लगाने लेता हूँ, और इसको ऑन कर देते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे भी करने लेते हैं। इसको जाने दो पहले, चलो इसको भी निकालने लेता हूँ मैं, और यहाँ पे भी सेम चीज कर देता हूँ। चलो भाई ये भी चल रही है बहुत सही की, तो ये यार अभी बहुत सही वर्क कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए यार इसको ऐसे ही रखने देते हैं, और यहाँ से मैं यार ये अपने व्हाइट कॉन्क्रीट उठा लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। अभी यार मुझे बनाने पड़ेंगे बहुत सारे पिस्टन, तो यार पिस्टन बनाने लेते हैं सबसे पहले। पिस्टन की रेसिपी भी बहुत सिंपल रहेगी यार, तो पिस्टन के लिए यार मुझे ये सब मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो यार इसमें आ गया अपना कॉबल स्टोन आ गया, और अपने प्लैंक्स आ गए, तो यार प्लैंक्स भी यहीं पे पड़े रहेंगे, और कॉबल स्टोन भी रहेंगे मेरे पास। और मेरे पास पहले से ही 15 पिस्टन्स है, तो यार जल्दी जल्दी मैं पिस्टन बनाने लेता हूँ, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने पिस्टन भी बना लिया है, और यार मैंने बाकी के भी चीज़ें ला दिए थे, क्योंकि यार बाद में मुझे स्टोन भी लगने वाले थे। तो एक काम करते हैं इसको ना थोड़ा बंद कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, इसको मैं हटाने लेता हूँ, क्योंकि यार वरना ये आवाज़ करते रहेगा, बाद में जाके लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने उठा भी लिया इसको, और यार मुझे अभी प्लेस करने लेना पड़ेगा अपना शुगर केन। तो यार जितने भी हमें रेल दिख रहे हैं, तो रेल के ऊपर से मुझे यार अपने शुगर केन के लिए ग्रोइंग एरिया बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यार इसके ऊपर प्लेस करने लेते हैं अपना सैंड, क्योंकि यार मैं सैंड में ही बनाने वाला हूँ। एक काम कर सकते हैं यार, हम सैंड की जगह पर डर्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि यार मेरे पास डर्ट भी बहुत सारा है, बट मेरे हिसाब से सैंड भी सही रहेगा। बट सैंड थोड़ा ग्रेविटी ब्लॉक है, तो थोड़ा फिकर लगता है, बट फिर भी यार कोई बात नहीं है, वैसे ये सैंड भी सही है, तो सैंड लगाने लेते हैं यार जल्दी जल्दी। ओ गाइस, तो मैंने यहाँ पे सैंड भी लगा दिया। एक काम करते हैं यार, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे प्लेस करने लेते हैं। अरे यार वो वहाँ पे गिर गया, यहाँ से भी हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे। चलो भाई, तो यहाँ पे एक काम करते ऊपर जाते हैं पहले। चलो भाई, अभी ये जो भी एरिया है यहाँ का, तो यहाँ पे यार मुझे प्लैंक्स लगाने लेने पड़ेंगे, स्लैब लगाने पड़ेंगे सॉरी। तो यार स्लैब लगाने लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यार ये एरिया यहाँ पे पूरा वाटर से कवर होने वाला है, तो यहाँ पे यार मुझे स्लैब लगाते जाना पड़ेगा। यार ये ऊपर लग गया, तो एक काम करता हूँ इसको निकालने लेता हूँ, वो भी नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, वो बाद में कलेक्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे यार नीचे लगाने लेते हैं जल्दी, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पूरा यहाँ पे फिल कर दिया है, तो इसके अंदर यार मुझे पानी डालने लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर आ जाएंगे हमारे पिस्टन्स और बाकी के चीजें, क्योंकि यार यहाँ पे पूरा पानी आ जाएगा, तो मुझे यार वाटर सोर्स लाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पूरा ये पानी से फिल करना पड़ेगा। तो यार ये अब भी मैं फिल करने लेता हूँ, और उसके बाद आपको मिलता हूँ। हो गया, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा फिलअप कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कुआ बना दिया अपने लिए, क्योंकि यार मुझे वाटर सोर्स की जरूरत पड़ते जा रही थी, यार बहुत सारा पानी लग रहा था। तो यार
यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कुआ ही बना दिया। और यार यहाँ पे मुझे ये सब पूरा निकालने लेना पड़ेगा क्योंकि यार अभी पानी की मुझे उतनी जरूरत नहीं है यार, ये पूरा मैं बंद करने लेता हूँ और यार इसे हटाने लेते हैं क्योंकि यार अभी यार असली काम शुरू होने वाला है। यहाँ पे अभी मुझे पिस्टन्स लगाने लेने पड़ेंगे, बहुत सारे पिस्टन्स है, बहुत सारे पिस्टन्स लगाने पड़ेंगे यार। और उसके ऊपर मुझे प्लांटेशन भी करना पड़ेगा सही से, और बाद में ग्लास लगाने लेना पड़ेगा यार। जल्दी से जल्दी इन्हें लगाने लेता हूँ। तो यार सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा, जैसे कि अपना कोई भी एक नॉर्मल ब्लॉक। मैं अपने लिए स्टोन रखने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टोन प्लेस करने लेते हैं। तो यार ये पूरे एरिया को मैं स्टोन से कवर अप करना चाहता हूँ, और इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगा अपना पिस्टन। तो यार पहले ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद पिस्टन लगाते वक्त आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, स्टोन से मैंने फिलअप कर दिया है यहाँ पे। अभी बहुत सही लग रहा है ये बेल्ट। और यहाँ पे यार मुझे अभी जल्दी से जल्दी पिस्टन लगाने लेने पड़ेंगे क्योंकि यार पिस्टन लगाने के बाद ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे यार जल्दी जल्दी मैं पिस्टन लगाने लेता हूँ। तो पिस्टन भी यार मुझे इस तरीके से कुछ प्लेस करना पड़ेगा। ये यार क्यों नहीं दिख रहा है? ओके अभी दिखने लगा। तो यहाँ पे यार जल्दी जल्दी मैं प्लेस कर लेता हूँ, पूरा एरिया कंप्लीट करना पड़ेगा यार मुझे, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अभी बहुत से बिल्ड लग रहा है यार मुझे, और 15 बनाने पड़े क्योंकि यार कम पड़ रहे थे मुझे पिस्टन। तो यार मैं बना के लेके आया था, और यार ये टोटल में 104 है। तो यार बहुत ही बड़ा बिल्ड होने वाला है ये मेरे हिसाब से। तो यार ये मेरा अभी तक का बहुत सही का बिल्ड है, अभी फिलहाल के लिए तो बहुत सही लग रहा है। तो यार जल्दी जल्दी जाता हूँ मैं ऊपर, और ऊपर का भी बिल्ड करने लेता हूँ। यहाँ पे भी मुझे स्टोन ब्लॉक प्लेस करने लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यार स्टोन ब्लॉक प्लेस करने लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो अगर आप देखो यहाँ पे यहाँ का भी बिल्ड बहुत सही लग रहा है, और यार ये कंप्लीटेड भी है। तो यहाँ पे यार मुझे अभी रेडस्टोन डस्ट लगाने लेना पड़ेगा, पूरा एरिया मुझे कवर अप कर देना पड़ेगा रेडस्टोन डस्ट से। और यार इसके ऊपर मुझे प्लेस करने लेना पड़ेगा अपना ऑब्जर्वर और अपना डेलाइट डिटेक्टर, क्योंकि यार उससे ही ये चीज पूरी काम करने वाली है। तो यार एक बार ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने पूरा ये कंप्लीट कर दिया है, मैं पूरा रेडस्टोन डस्ट लगा दिया है यहाँ पे। अभी यार मुझे यहाँ पे अंदर मुझे प्लेस करने लेने पड़ेंगे शुगर केन और बाम्बूज। तो यार जल्दी जल्दी मुझे शुगर केन और बाम्बूज लगाने पड़ेंगे। तो यार जल्दी जाके लेके आते हैं, यहाँ पे ही रहेंगे शुगर केन और बाम्बूज। यार सबसे पहले मैं बाम्बूज उठा लेता हूँ, 64 शायद से 2 स्टैक उठा ही लेते हैं यार, और बाकी के शुगर केन लगने वाले 2 स्टैक इसके भी उठा लेता हूँ। और यार चलते जल्दी जल्दी प्लांटेशन करने के लिए। यार मैं यहाँ पे बाहर की ओर मैं रखने वाला बाम्बूस, तो यार बाम्बू को मैं नीचे रख लेता हूँ, और ये बाकी के जो भी अपने पिस्टन है उसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं बाम्बूस प्लेस करने लेता हूँ। यार ये पूरा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, मेरे कंप्लीट भी हो गया है, मैंने पूरा लगा दिया है। और बट अगर आप देखो यहाँ पे बाम्बूस भी उगने चालू हो गए, और ये कितने जल्दी उगते हैं यार, ये बहुत बड़े भी हो चुके हैं। तो यार मुझे जल्दी से जाके ऊपर की लेयरिंग कवर अप करनी पड़ेगी, वरना यार ये ऊपर तक आ जाएंगे। कोई डर नहीं यार, मैं वैसे भी तोड़ दूंगा इसे। और यहाँ पे नीचे से मुझे ग्लास लगाने लेना पड़ेगा। तो यार मैं पूरा कवर अप कर लेता हूँ ग्लास से, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फिर तो यार बहुत सही लगने लगेगा ये। तो यार जल्दी जल्दी मैं ग्लास उठा लेता हूँ, और ग्लास लगाने लेता हूँ। और यार ये डेलाइट डिटेक्टर भी रख लेता हूँ अपने साथ, क्योंकि यार ये भी अभी लगने वाला है। कॉर्ड्स को यार ऊपर रख लेते हैं, और बाकी का ये ऑब्जर्वर भी रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि यार ऑब्जर्वर भी अभी लगने वाला है। तो यार स्टार्ट करते हैं बिल्ड, और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देते हैं इसको। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। यार बहुत मेहनत लगी इस चीज को करते हुए, और बहुत मुझे लगता है 2 घंटे तो ऐसे ही चले गए ये पूरा ग्लास लगाते हुए, क्योंकि यार ये बाम्बू बहुत तकलीफ दे रहा था, और ये बाम्बू बहुत जल्दी ग्रो भी हो रहा था यार। बट अभी मैंने ऊपर से कवर करने के बाद यार ये अभी ग्रो नहीं हो रहा है, उतना ही स्टेबल रहने वाला है। और यार आपको ऊपर से भी थोड़ा नजारा दिखा देता हूं, ऊपर से भी बहुत सही लग रहा है। तो यहाँ से यार ऊपर चलने लेते हैं एक बार ही। यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ पे और भी ब्लॉक्स है मेरे पास, तो यहाँ पे प्लेस करके यार आपको बता देता हूँ कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अपना शुगर केन भी उग रहा है, और यहाँ पे बाम्बू यार पूरा ही उग चुका है। बाम्बू बहुत जल्दी उग जाता है यार, बहुत सही है वैसे। यार हमें बहुत सारा बाम्बूज भी मिल ही जाएगा वैसे आगे जाके। अब यार अपना शुगर केन फार्म, शुगर केन और बाम्बू फार्म तो पूरा रेडी ही है, बट सिर्फ एक ही चीज की कमी है, जो है डेलाइट डिटेक्टर, जो कि अपना सेंसर का काम करने वाला है। तो जैसे ही मैंने लगा दिया है, अब ये डे में भी वर्क करेगा और नाइट में भी वर्क करेगा यार। बहुत सही का बिल्ड हो गया, और यार ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। और यार एक चीज रह जाती है, ताकि ये डिस्पॉन ना हो, मैं जल्दी जाके अपना कार्ड भी यहाँ पे प्लेस करने ले ही लेता हूँ। चलो भाई, अपना कार्ड भी लग चुका है, अभी इसकी पूरी वर्किंग देख लेते हैं। एक बार ये घूम के आ जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही आता है यहाँ पे अपने चेस्ट में डालने ले ही लेगा। तो यार देख लेते हैं अभी क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा कलेक्ट करके ला दिया है इसने, और यहाँ पे यार अपना कॉबलस्टोन भी ला दिया, बहुत सही काम कर रहा है। और यहाँ पे पूरा अपना बाम्बूज और शुगर केन जो है इस चेस्ट में डाल देगा। तो यार जल्दी जाके कलेक्शन सिस्टम अभी बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये सही सा वो वर्क कर रहा है। तो यार मैं जल्दी जाके नीचे प्लेस करने लेता हूँ अपना कलेक्शन सिस्टम। तो यार ये भी पूरा मुझे हटाना पड़ेगा, इसको भी हटा लेते हैं यार, मुझे लगता है पिकैक्स लगने वाले हैं इधर। तो यहाँ पे इसको भी हटाने लेता हूँ मैं, बाद में जाके इसको
मैं प्लेस कर दूंगा वहां पे। चलो भाई इसको भी कलेक्ट कर लिया है मैंने, और यहाँ पे यार अपना सही का कलेक्शन सिस्टम बनाने लेते हैं। तो गाइस इसी के पैरेलली मुझे चेस्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सेम डायरेक्शन में नहीं लगाना है, मैं ऐसे डायरेक्शन में लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे यार प्लेस करने लेता हूँ जल्दी से जल्दी, और यहाँ पे इसके ऊपर ही जल्दी से जल्दी लगाने लेते हैं अपने चेस्ट। तो यार सेम डायरेक्शन में यहाँ पे ही लगाने लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ से एक हॉपर आने वाला है इसके ऊपर, तो यार हॉपर से पूरा मटेरियल नीचे गिरते जाएगा इसके अंदर। तो यार एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक लगा लेता हूँ। चलो भाई, और यहाँ पे यार जल्दी अपना चेस्ट प्लेस करने लेते हैं। चलो भाई यहाँ पे भी लगाने लेता हूँ मैं। चलो भाई यहाँ का भी लग चुका है, तो यहाँ पे हटाने लेते हैं अपना बिल्डिंग ब्लॉक, और यार नीचे जाता हूँ जल्दी जल्दी। चलो भाई यहाँ का तो ये पूरा कंप्लीट है, सिर्फ मुझे यहाँ पे एक हॉपर लगाना पड़ेगा। एक नहीं, मुझे कनेक्टेड में ही लगाने पड़ेंगे पूरे। चलो ये ऊपर से जो भी मटेरियल आएगा इसके अंदर गिरेगा, और इसके अंदर और सेम चीज के अंदर मुझे दो हॉपर और लाने पड़ेंगे ताकि इसके अंदर नीचे भी आ सके। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो बॉम्बूज अभी इसके अंदर फिल होते ही रहेंगे, शुगर केन भी फिल होते ही रहेंगे, बहुत सही से बिल्ड बना है। तो यार ये कलेक्शन सिस्टम भी अपना रेडी है, मैं आगे जाके इसको हॉपर भी लगा दूंगा, इसको सही का बना भी दूंगा। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये बांबू और शुगर केन फार्म कैसे लगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।